टीम दीवाने आईएसएन गेट, आज हमारे साथ है पुष्पक चौधरी, जिन्होंने ईएसई 2019 में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है। तो उनकी जो सक्सेस जर्नी रही वो किस तरीके से रही, उन्होंने प्रिपरेशन कैसे की और कैसे उन्होंने एक परफेक्ट प्लानिंग और अप्रोच फॉलो की जिससे कि उन्होंने ईएसई जैसे इतने टफ एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर किया है, तो वो आज हम जानना चाहेंगे। और हमारे साथ है शिवानंद गौड़, जिन्होंने अभी मेडिजी में कोचिंग कर रहे हैं और उन्होंने इसमें एडमिशन लिया है। तो एक गेट एस्पिरेंट के क्वेश्चन क्या होते हैं, एक टॉपर उसका आंसर दे रहा है, तो जितने भी गेट एस्पिरेंट या फिर ईएसई एस्पिरेंट है तो उनको इस पर्टिकुलर वीडियो के तहत उनको ये हेल्प मिलेगी कि उनको कैसे अपनी अप्रोच मेंटेन रखनी चाहिए और कैसे एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कि वो अच्छे से सक्सीड हो। तो शिवानंद गौड़ अपने क्वेश्चंस रखेंगे जो कि गेट एस्पिरेंट के द्वारा पूछे गए हैं और पुष्पक चौधरी जी उनके आंसर देंगे। तो उससे पहले पुष्पक चौधरी जी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जो सक्सेस है उसको अचीव किया है। तो मेरा नाम पुष्पक प्रमोद चौधरी है, मैं नासिक से हूँ और मेरा स्कूलिंग सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है पुणे, वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। उसके बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट थ्रू जॉब लगी थी आर्मासेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, मैंने एक साल जॉब किया। उस वक्त मेरे जीएस के जो बहुत सारे जो टेंशनों का पेपर वन को वो रिलीज़ हो जाएगा। हाँ। और पेपर टू के लिए फ्रेश माइंड से जा सकते हैं। अगर फ्रेंड नहीं भी है तो मतलब फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हाँ, फ़ोन मतलब पे बात कर भी आपको मिलके या बात करके अच्छा लगता है उससे। हाँ। बात करना चाहिए, मतलब ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि उस वक्त लास्ट टाइम में वैसे भी और कुछ मतलब गारंटी मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है कि जो पढ़ोगे वो आएगा उस वक्त, बल्कि ये प्रेशर बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब भूल रहा हूँ, हमें बताया जाता है कि 2 घंटे है तेरे पास, जो भी मतलब पढ़ेगा तू वो तेरे मतलब डायरेक्ट माइंड में रहेगा और वहाँ पे अगर मिला तो डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा सा होता है हमारे माइंड में, स्ट्रेस तो ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, हमने ये सोच लिया कि इतना हमें पढ़ना है और हम नहीं पढ़ पाए तो अननेसेसरी प्रेशर और डेवलप हो जाएगा। डेफिनेट उस चीज़ से। तो प्री के बाद जब मतलब आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्री के बाद तुरंत ही आपने स्टार्ट किया था या फिर कुछ दिन मतलब चिल मार रहे थे या कुछ कुल मेरा एक दोस्त है अक्षय बोधने करके, तो हाँ। मैं मतलब आई वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय, मैं पहले बहुत स्ट्रेस लेता था। अच्छा। पर मतलब उससे इंटरेक्ट करने के बाद मुझे थोड़े से स्ट्रेटजी पता चले कि खुद को काम डाउन कैसे करना है। अच्छा। प्रीलिम्स के बाद बच्चा मतलब स्प्रिंग जैसे दबता है ना, वैसे बच्चा भी दब जाता है। प्रीलिम्स के इसमें आपको भी पता है कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, 12-12, 13-13 घंटे तो कोचिंग चलती है, उसके बाद बंदा 5 घंटे करता है, 5 घंटे सोता है, तो वो पूरा मतलब स्प्रिंग की तरह दब जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि प्रीलिम्स के बाद अगर गेट देनी हो तो गेट दे दो, उसकी पढ़ाई तो सीरियसली करनी पड़ती है वो। तो गेट के बाद फिर गेट के बाद और कोचिंग स्टार्ट होने के बीच में 20 दिन होते हैं। अच्छा। तो या तो 20 दिनों में से 5 दिन घूम लो या 20 दिन घर पे रहो, कुछ पढ़ो, मतलब नॉर्मल जो आपको मतलब, कुछ नॉवेल पढ़ने वो पढ़ो, कहीं 15-16 नहीं पढ़ने की जरूरत वो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसा गिल्टी फीलिंग आ रहा है कि मुझे पढ़ना है, तो दिन के 2 घंटे डिसाइड कर लो, 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ो, FM 2 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो। अगर आपको वैसे लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को प्रीलिम्स में कम मार्क्स आए और मेरे को मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है, तो मुझे जिस दिन से गेट हुआ है उसी दिन से स्टार्ट करना है। अगर आपके माइंड में ऐसा फीलिंग है तो हर रोज के 2 घंटे डेडिकेट करो, 2 घंटे टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई करो और वो नहीं तो अगर आपका हो गया है अच्छा मार्क्स है आपको तो एंजॉय करो, क्योंकि आगे के 4 महीने दे आर रियली गोइंग टू बी हेक्टिक फॉर यू, मतलब उसी तैयारी में लगना है। हाँ। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब अगर प्री दे के आए हैं तो मतलब पता कैसे चलेगा कि मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं या कितना क्या कर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस कैसे मतलब शुरुआत, रिजल्ट तो बहुत लेट आता है। हाँ, अगर रिजल्ट का वेट करते रहेंगे तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए कि प्रिपरेशन चालू कब करना है और ख़त्म कब करना है। पहले तो अभी मेडिजी इस साल से एक वीडियो बना रहा है, मतलब वो डिस्कस कर रहा है सारे पैनल मेंबर्स के साथ कि अच्छा। कैसे आया था पेपर। ओके। तो अगर आपको पेपर हार्ड गया है सिंपल गया है तो उनका एक बार एनालिसिस सुन लो। अच्छा। तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि पेपर हार्ड था सच में। अगर फैकल्टी मेंबर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर से अगर वो बोल रहे हैं तो हार्ड ही हो। ओके। और उनका प्रेडिक्शन बहुत क्लोज होता है एक्चुअल प्रेडिक्शन। तो मेरे हिसाब से आप अगर जितने कोचिंग क्लास पे रिलाई करते हो, अगर एस मेडिजी आईएस मास्टर, तो तीनों के हिसाब से मार्क्स निकाल लो। अच्छा। उसका एवरेज निकाल लो। ओके। ठीक है, एवरेज निकाल, एवरेज निकाल उसी के, उसका एवरेज जो आएगा वो मेडिजी कुछ तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करेगा। हाँ। उससे आपको कम से कम 40 मार्क्स ज़्यादा चाहिए।
जो कट ऑफ निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा अगर 200 कट ऑफ है तो 230 240 मार्क्स सही, क्योंकि यूपीएससी का जो आंसर की होता है और क्लास का जो आंसर की होता है उसमें डिफरेंस होता है, अनप्रेडिक्टेबल। अभी 2018 में 13 क्वेश्चंस का डिफरेंस था, 13 क्वेश्चंस मतलब अगर आपने उस 13 क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो 13 × 2 = 26 मार्क्स आपके गए, वो तो मिलने नहीं वाले, और निगेटिव भी होंगे, 13 × 1.33 उतने निगेटिव भी होंगे, मतलब 36 या 40 मार्क्स, 40 मार्क्स तो निगेटिव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 40 मार्क्स का गैप आगे होना चाहिए, मतलब फिक्स आपका सिलेक्शन होने वाला है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 210 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वैसे नहीं कि नहीं होगा, पर मतलब गारंटी गारंटी के लिए, मतलब ये गेट के लिए फिर कूल माइंड रख के प्रिपेयर नहीं कर सकते, गेट के लिए अगर फिर वही थॉट आएगा कि मेरा हुआ, और मेरा एक सजेशन है सब एस्पिरेंट्स को जो गेट ये दोनों सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, ईएस का पेपर हो जाने के बाद ईएस के मार्क्स निकाल लो नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट दिन निकाल लो, आंसर की तो मिल जाएगी, आंसर की मिल जाएगी रात को ही मिल जाएगी 1-2 बजे, नेक्स्ट मार्क्स निकाल लो, खुद को काम डाउन कर लो, जो भी आएगा स्कोर हो रहा है खुशी की बात है, अच्छे से गेट की पढ़ाई करो काम माइंड से स्ट्रेस फ्री होके, नहीं हो रहा है ईएस को छोड़ दो, गेट की इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि टॉप 100 में आना चाहिए। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, मतलब इस साल इसरो ने भी अच्छी वैकेंसी निकाली है 136 इसरो की वैकेंसी आई, उसका पेपर 12 जनवरी को है, तो ये फर्स्ट वीक में है, वो नेक्स्ट वीक में इसरो का है, और उसके बाद फरवरी में फर्स्ट वीक में गेट का है, तो उसको मतलब कैसे अटेम्प्ट करें, तीन पेपर एक साथ क्या अप्रोच होना चाहिए उसका, थोड़ा मतलब खुद को काम डाउन रख के कैसे प्रिपेयर, अगर आपने ये एग्जाम पढ़ रखा है तो एक सिलेबस तो आपका ऑलरेडी रिवाइज है, तो डेफिनेटली आपको थोड़े से क्वेश्चन सोल्व कर लेने चाहिए इसरो के पेपर से, अटेम्प्ट कर लो आप इसरो के प्रीवियस ईयर्स के जो भी। अभी 2018 में मेरा ऐसा हुआ था, एसएससी का जो एग्ज़ाम था वो मेरा मतलब अभी 4 संडे होते हैं अप्रोक्सीमेटली ईएस के पेपर में और गेट के पेपर में, तो मेरा सेकेंड या थर्ड संडे को आया था वो पेपर, तो मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की थी, जो ईएस का था उसी के इस पर निकाला था, पर अभी इसरो की ज़्यादा वैकेंसीज है तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल थॉट देना चाहिए उसको। ठीक है, इसरो एक ही अपॉर्चुनिटी है। ओके, और मतलब मेरा तो यही था कि आपको कुछ भी डिसाइड करना है तो उसके थोड़े से बैकग्राउंड देख लो, पहले खुद को काम डाउन कर लो, खुद सोचो कि करना क्या है और उस हिसाब से अप्रोच करो। अभी ठीक है, इसरो का वैकेंसीज है 135 है, तो इसरो कितना टाइम्स बुलाता है, 10 टाइम्स बुलाता है, बराबर। इंटरव्यू के लिए 10 टाइम्स कॉल करेगा तो 1350 कॉल आएंगे, पर इस बार वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण मे बी वो 5 टाइम्स ही बुलाएगा या 6 टाइम्स बुलाएगा, पॉसिबिलिटी। तो आपका पहले 600-700 में तो आ सकता है, पर गेट में अगर 600-700 रैंक आया तो बहुत ही हार्ड है कि पीएसयू में होगा, बराबर है, बहुत ही हार्ड है कि मतलब यू हैव टू रियली फाइट हार्ड फॉर दैट, बहुत फाइट मारना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, गेट की पढ़ाई में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए इसरो के पेपर की वजह से। अच्छा, यू शुड कंटिन्यूसली प्रिपेयर फॉर गेट, ईएस का आपका पढ़ाई हो गया है, आपका एक बार रिवीजन हो गया है, और फिर मेक इट अ पॉइंट कि जो 12 दिन है उसमें एक बार सारे सब्जेक्ट्स देख लो। ओके, गेट के देख लो या इसरो के देख लो, क्वेश्चंस देख लो, सारे सब्जेक्ट टच कर लो एक बार 12 दिनों में, प्रीवियस ईयर या आपका प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का टारगेट होगा तो गेट के 10 दिन में सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अगर 10 दिन में 10 या 12 घंटे बैठोगे तो 10 या 12 दिनों में गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो गेट का भी हो जाएगा, इसरो के लेवल गेट के लेवल के होते हैं मोर और लेस, वही लेवल होता है तो वो भी हो जाएगा। तो मेंस का क्या अप्रोच होना चाहिए, मतलब मेंस के लिए कोचिंग जरूरी है या फिर यही मतलब प्री में जो पढ़ाया जाता है हमें, अभी जो पढ़ाया जा रहा है हमें कोचिंग में, उतना ठीक है या सफिशियंट है या फिर उससे मतलब ज़्यादा पढ़ना चाहिए? देखो, मेंस का बच्चों का क्या होता है, कभी कभी मेंस का क्लास कर लेंगे तो हमारा मेंस का पढ़ाई हो जाएगा, ऐसा होता है अप्रोच। अच्छा, पूरा गलत अप्रोच है। मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के प्रिपरेशन फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। अच्छा, 60% ऑफ द प्रिपरेशन यू हैव ऑलरेडी डन ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स। बहुत सारे गायरोस्कोप के क्वेश्चन होते हैं, बैलेंसिंग के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको आते हैं प्रीलिम्स के वक्त ही आपको आ रहे हैं, इसलिए प्रीलिम्स के वक्त भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं मेंस का पढ़ाई करूँ। ये भी डाउट होता है बहुत सारे बच्चों का कि मैं प्रीलिम्स के साथ मेंस का पढ़ाई करूँ क्या, क्योंकि मेंस का वेटेज ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल भी करना नहीं है, प्रीलिम्स के वक्त प्रीलिम्स का पढ़ाई करना है, मेंस के वक्त मेरे हिसाब से कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका एक मोमेंटम बना हुआ रहता है, आपका सब्जेक्ट क्लास के साथ खत्म होते जाता है। अगर आप खुद से करोगे तो आप 10-10 दिन थर्मोडायनेमिक्स से करोगे, एक एक सब्जेक्ट 10 दिन टॉम ही करोगे, तो टाइम टेबल मेंटेन नहीं होगा बराबर से। और क्लास का कैसे होता है, सिंक होता है टेस्ट सीरीज के साथ, तो क्लास मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, और क्लास हो जाने के बाद ईएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए, एएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए, एफएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए,
मेंस के लिए, मेंस के लिए मतलब तीनों साथ लेके चलना चाहिए, तीनों साथ लेके चलना, क्योंकि एएस और एफएस से क्वेश्चन डेफिनेटली इन द कमिंग पीरियड ऑफ इयर्स दे विल रिपीट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। अच्छा, तो मेंस के लिए मतलब कितना टाइम देना पड़ेगा मैक्सिमम, अगर मिनिमम कोई दे सकता है या मैक्सिमम कोई दे सकता है तो कुछ लिमिट होती है या फिर जैसे ही मतलब प्री खत्म हो गई या गेट खत्म हो गया उसके लिए मतलब लगना चाहिए? देखो आपको दो एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे दोस्त का क्षितिजान सिंह का एग्जांपल है, उसका वो ही वाज गुड इन हिज एकेडमिक बैकग्राउंड, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कमेंडेबल और एक्सलेंट था, पर उसका कुछ भी पढ़ाई नहीं था ईएस के लिए, ईएस को आने के वक्त, बिकॉज उसने जीआरई दे के रखी थी, उसका 324 स्कोर था विच वॉज वेरी गुड, उसको कौन सी भी यूनिवर्सिटी मिल सकती थी। वो 2018 में आया, उसने प्रीलिम्स निकाली, उसके बाद उसने मेंस का पढ़ाई शुरू किया, उसने सिर्फ 4 महीने पढ़ाई की और उसके मार्क्स थे 214 और 200 दोनों पेपर। अच्छा। मतलब टॉपर्स के रेंज में था वो, उसका प्रीलिम्स का स्कोर 268 था। तो मेंस ने उसके मार्क्स में इतना गैप भर दिया, मतलब ब्रिज कर दिया उस गैप को, तो उसका 33 रैंक है, वो सिलेक्ट हो गए। अच्छा। तो ये एक एग्जांपल है कि उसने पढ़ाई नहीं की थी और उसका 4 महीने में हो गया मतलब। और दूसरा मेरा एग्जांपल है कि मैंने पिछले साल 2018 में मेंस की पढ़ाई की थी और मैंने 2019 में भी की, तो चार महीने मेरे हिसाब से सफिशियंट है। और आपको डर लग रहा है, खुद में कम कॉन्फिडेंस है, तो मैक्सिमम 5 महीने, मतलब जिस दिन गेट खत्म हो जाएगी उस दिन से चालू से चालू कर। तो इसके लिए मतलब ये अगर ईएस निकालना है तो ऐसा कोई रूल है क्या, मतलब अपना कॉलेज बैकग्राउंड जो है वो अच्छे कॉलेज से होना चाहिए या फिर मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज लोकल कॉलेज है उससे अगर पास आउट है तो आपने थोड़ा आप भी मतलब आपके बारे में बताइए कि आप अभी तो मेरा कॉलेज तो विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट था वो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पहली बात, वो प्राइवेट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट था। 2004 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को ऑटोनॉमी मिली, 2008 में मतलब उन्होंने उनको फॉलो किया सीओईपी को, वीआईटी ने, फर्स्ट प्राइवेट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र का। ओके। 2008 से उसकी ऑटोनॉमी चल रही है, अभी 2019 है फिर भी किसी ने उसकी ऑटोनॉमी कभी क्वेश्चन नहीं की। ओके। तो उसमें हमारा अप्रोच था कि हम रेफरेंस बुक्स यूज़ करते थे, तो उसके वजह से आपका कॉलेज बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहा है। हाँ, कॉलेज का बैकग्राउंड, पर मैं आईआईटी से नहीं था। नहीं हाँ, यहाँ पे तो कॉम्पिटिटर तो हमारे क्लास में बहुत सारे आईआईटी से है, एनआईटी से है, कुछ गवर्नमेंट अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से है, तो उसका कुछ मतलब। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक साल में निकालना है पूरा एग्ज़ाम, ओके, तो आपका बेसिक्स अच्छा चाहिए। ओके। बहुत अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। ओके। मतलब आपको बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ाई, हाँ, अगर आपने कुछ किया ही नहीं है 4 साल, तो फिर इंजीनियर को उतना तो पता रहेगा कि 4 साल मतलब लगा के आया है कुछ ना कुछ पास आउट करके। हाँ नहीं, पर कुछ कुछ बच्चों का ऐसे होता है कि हम एग्जाम के पहले ही पढ़ते हैं, हाँ 10 दिन पहले पढ़ेंगे, मतलब तो अगर उनको केवल टर्म्स भी पता हो तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। नहीं, टर्म्स से नहीं, पूरा थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे वैसा अप्रोच, तो उनका तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। अच्छा। वेरी बिग एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सीट वैकेंसी बहुत कम है और रिपीटर्स बहुत ज़्यादा, रिपीटर्स बहुत ज़्यादा, तो अगर आपका नहीं है ना बैकग्राउंड अच्छा, तो आप सोच लो कि आपको 2 साल करना है। ओके। पर पहले साल भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ऐसे नहीं कि दो दूसरे मतलब उसी उसी मोमेंटम से प्रिपेयर करना है पहले साल भी। ओके। पर फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कुछ। ओके। तो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू के लिए और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था उसके बारे में? मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैंने मेडिसी से किया था, मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैंने मेडिसी का ज्वाइन किया था, मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन एस के देखे थे और मैंने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब मेडिसी, आईएएस मास्टर और एस के मॉक इंटरव्यूज दिए थे। अच्छा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था जितनी मुझे डाइवर्सिटी मिलेगी लोगों में उतने मेरे क्वेश्चंस बनेंगे डीएफ पर। ओके। और डीएफ पर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे उतने इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेरे वही क्वेश्चन रहेंगे कि जो मुझे पूछे गए हैं। ओके। तो मैंने 5 अलग अलग पैनल फेस किए थे ये सारे क्लासेस में, तो मुझे 5 अलग अलग एक्सपीरियंस मिले थे। ओके। और मेरा यूपीएससी का मेन इंटरव्यू था, उसमें से तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे पहले पूछा गया था, पर मुझे पहले से ही प्रिपेयर थे पूरा, मतलब पर मुझे जो टॉपिक्स थे वो मॉक इंटरव्यू में मिल गए थे, मुझे कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो मुझे मिल गए थे, इसलिए मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था। मतलब मॉक इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, मॉक इंटरव्यू देना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा, जो मिस्टेक्स मिस्टेक्स आप रिफॉर्म और उसको रिकवर कर सकते हैं, और वो मिस्टेक्स वहाँ जाके करने में कुछ पॉइंट नहीं, वो मिस्टेक्स पहले कर लो। ओके। और मॉक इंटरव्यू देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मॉक इंटरव्यू में पता है हमको कि हमसे गलतियाँ होने वाली है और हमसे हमको गलती करनी है यहाँ पर, तभी हम वहाँ पे जाके परफेक्ट बनेंगे और हमारा इंटरव्यू अच्छा होगा। ओके। तो इंटरव्यू के लिए मतलब इंग्लिश कितना मैटर करती है, इंग्लिश कंपलसरी है आना या फिर मतलब हम हिंदी और किसी और अदर लैंग्वेज में दे सकते? अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए बोलते हैं कि इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में भी आप दे सकते हो, दे सकते, पर इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, वो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि
अभी बोल नहीं सकते कि पैनल मेंबर कौन आएगा। पैनल मेंबर को अगर नहीं पसंद है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसे सिविल सर्विसेज में है कि आप मतलब मीडियम ऑफ लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो कि इंग्लिश है या हिंदी है। आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, मतलब ऑफिशियली चूज़ कर सकते हो। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो मेंबर पे डिपेंड करता है, जो चेयरमैन होता है, जो यूपीएससी का मेंबर होता है, 11 मेंबर में से एक मेंबर, उसके ऊपर होता है कि कैंडिडेट को बोलना है। अभी कोई कोई मेंबर से वो अलाउ करते हैं, कोई कोई मेंबर से उनको पसंद ही नहीं है हिंदी में बात करना, उनको इंग्लिश ही कंफर्टेबल है। तो मतलब उसको तो इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब वैसे कि थोड़ा होता है उसमें सब्जेक्टिविटी होती है, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और आपका टेक्निकल नॉलेज अगर स्ट्रांग है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश हिंदी कोई ज़रूरत नहीं, पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। हाँ, ऑन अ डे और आफ्टर यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करनी है। तो इसके लिए मतलब अभी से इंग्लिश भी साथ प्रिपेयर करना चाहिए। डेफिनेटली, मतलब मेरा तो बेस्ट यही कहना है कि आप न्यूज़पेपर रीड करो बस। और एक चैनल है राज्यसभा टीवी, वो गवर्नमेंट का चैनल है, वो रोज़ 9 बजे, 1 बजे और शाम को 7 बजे 2 मिनट के न्यूज़ देता है। उस 2 मिनट में आपको 4 से 5 न्यूज़ मिलती है, क्रिस्प और अच्छी न्यूज़ मिलती है। उसको सुनो, उसकी एक्सेंट सुनो, उस एक्सेंट को प्रैक्टिस करो और रोज़ आधा घंटा पेपर पढ़ो। आपको टाइम होगा तब, अगर सेकंड अटेम्प्ट होगा तो आपके पास डेफिनेटली टाइम है। मैं द हिंदू पेपर रेकमेंड करता हूँ, उसमें हेडलाइंस पढ़ो, थोड़ा न्यूज़ पढ़ो, रीजनल न्यूज़ पढ़ो और एडिटोरियल पढ़ो, बस मोर देन इनफ। आपकी वोकेबलरी भी बढ़ जाएगी, आप पढ़ोगे भी और आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी। तो इंटरव्यू में आपका क्या टेस्ट किया था, मतलब टेक्निकल नॉलेज टेस्ट करते या फिर जनरल करंट अफेयर्स के बारे में या फिर कुछ और कुछ क्वेश्चन आते हैं? ये पूरा सब्जेक्टिव है, पैनल मेंबर पे डिपेंड करता है। मेरा जो पैनल मेंबर था वो नागराजन मैडम थी, तो उनका था कि जॉब से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन थे। अच्छा, जॉब मतलब मैंने एक्सपीरियंस था मुझे आर्मा सिंह का, तो जॉब से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन थे, जॉब क्यों छोड़ा। अच्छा, और जॉब छोड़ा तो मैं पुणे का लोकल एक्ट था, तो पुणे में बहुत सारी प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज में, तो वो क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली उनको पूछना था कि यही क्यों आना है आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, अगर आपको किसी से मिलने का चांस मिला तो आप किससे मिलोगे और उनको क्या पूछोगे, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद ये था, मतलब मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद फिर मेरा टेक्निकल इंटरव्यू 3 मेंबर से मेरा टेक्निकल लिया पूरा, उसमें मटेरियल साइंस, आईसी इंजन, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फिर रेलवे में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पूछा गया, और फिर लास्ट मेंबर जो था मैंने बहा में पार्टिसिपेट किया था। वो एक ऑल टेरेन व्हीकल बनाते हैं, वो एक इवेंट होता है, तो लास्ट मेंबर ने सब क्वेश्चन उस पर पूछे और लास्ट मेंबर ने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन पूछे। मतलब रैपिड फायर राउंड जैसे होता है ना, वन वर्ड आंसर से, मतलब विच गियर यू यूज्ड इन योर कार, व्हाट वाज द गियर रेशियो, हाउ व्हाट वाज द स्टेप रिडक्शन, ऐसे वन वर्ड आंसर 2-4 इनवॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, मतलब मुझे पूरा मैकेनिकल का यूटिलाइजेशन है बाहर, तो फिर उसमें वो किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस यस, 25 मिनट्स में मुझे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरे इंटरव्यू का टाइमिंग कितना होता है, मतलब ऑन एन एवरेज 25 to 30 मिनट्स? ओके, ऑन एन एवरेज 30 मिनट, आधा घंटा। यस, जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं उसमें पूछेंगे। और लास्ट क्वेश्चन मुझे सिचुएशन बेस्ड पूछा गया था, तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना है, क्योंकि वो आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है एज अ ब्यूरोक्रेट। अच्छा, तो अगर आप मतलब अभी तो आपको, आप तो सिलेक्शन हुआ है आपका, तो अगर आपको मतलब चांस मिला अगर आईएएस के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप मतलब अगर करना चाहोगे तो? मतलब मैं अभी फेज़ में हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप सोचो, आपकी रैंक अच्छी है तो आप सोचो करने के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मेरा तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। मतलब मैं अभी अलग अलग लोगों से जो सर्विस में है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन के फेज़ में है, जिन्होंने मेंस निकाल लिए, इंटरव्यू नहीं हुआ, या तो प्रीलिम्स नहीं निकाल लिए, मेंस नहीं हुआ, ऐसे लोगों की लोगों ने देखना होगा तो वो देख लेता था। मतलब ऐसा होलसम था मेरा, मतलब आधे घंटे के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैंने किसी से बात नहीं की या कुछ मैंने पढ़ा नहीं, न्यूज़ नहीं पढ़ा या कुछ देखा नहीं। टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव था सारी एक्टिविटीज़ को। और 2 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक कंपलसरी लेना चाहिए, वो आपको मतलब काम और कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। रिवीजन के टाइम में आप कितने घंटे, मतलब ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ाई करते थे, जब मतलब 1-2 महीने अभी एग्ज़ाम को बचे हैं तो हमें कितने घंटे देना चाहिए? मेरा तो था, मतलब मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैंने 10 घंटे का टारगेट रखा था। अच्छा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर, मतलब मुझसे हो ही नहीं पता था कोचिंग प्लस पढ़ाई नहीं, या फिर नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ। कोचिंग में जब था तब मैं जितना जब टाइम मिले, ब्रेक में टाइम मिले तब भी पढ़ता था। अच्छा, फ्रेंकली स्पीकिंग, पर सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे पास टाइम था, तो मेरा टारगेट था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैंने 10-10 घंटे टारगेट सेट कर लिया था, उतना ही पढ़ता था। और नवंबर, दिसंबर जितना टाइम मिला उतना पढ़ा,
फिर रेस्ट भी की, रेस्ट भी 8 घंटे पूरा रेस्ट, मतलब जब सोना है तब सोना है, जब पढ़ाई करनी है तब मेटिकुलसली पढ़ाई करनी है, जैसे टाइम टेबल बनाया है उसे। और हम, हमारा एक था, हम जो महाराष्ट्र से 5 लोग थे जो प्रिपेयर करने के आए थे, हम संडे को टेस्ट होने के बाद कुछ नहीं पढ़ते थे, मतलब हम एक होटल जाते थे, वहाँ अच्छा खाना खाते थे, थोड़ा बहुत डिस्कस करते पेपर के बारे में, और संडे हमारा फ्री होता था, तो संडे का फ्री होना, और मैं सेकेंड अटेम्प को भी मैंने वैसा ही किया था, तो उसके साथ मैं किसी अच्छे जगह होटल में या किसी जगह जाता था, खुद को काम डाउन कर रहा था, क्योंकि वीक का प्रिपरेशन हो गया है ना अभी, तो टफ फेस चल रहा है, तो उसमें एक ब्रेक, एक ब्रेक वो नेसेसरी है, आप घूमने तो नहीं जा सकते कहाँ पर, वो संडे सैक्रीफाइस करो, जो सेकेंड हाफ है ना टेस्ट के बाद, वो डेफिनेटली वो करो, फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया चेक कर लो संडे को, संडे रात को आ गए, टेस्ट दे दी, थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लो, फिर मंडे से हाथ मत लगाओ, मंडे टू सैटरडे कुछ मत हाथ लगाओ, संडे को थोड़ा सा टेस्ट, एक हफ्ते में एक दिन, यस यस डेफिनेटली, सोशल टच में भी रहोगे, दोस्तों के टच में भी रहोगे, संडे को किसी दोस्त को फोन कर लो, वो भी ठीक रहेगा। आप महाराष्ट्र से मतलब ग्रुप में आए थे या अकेले आए थे? मैं तो अभी अकेला ही आया हूँ। नहीं, मैं महाराष्ट्र में ग्रुप से आया था, क्योंकि मतलब हमारा ऐसा था कि ग्रुप में ज्यादा, मतलब एक दूसरे को देख के हम बहुत पढ़ाई करते थे, मतलब ग्रुप में ही हमारा कॉम्पिटिशन था पूरा, मतलब हम ग्रुप में तुम्हारे, मतलब तुमने बनाए थे खुद, हेल्दी कॉम्पिटिशन थी, हमारी कॉम्पिटिशन भी अच्छी थी, हम एक दूसरे को मदद भी करते थे जितना पॉसिबल है उतना, मतलब क्योंकि कैसे होता है कि प्रिपरेशन की फेज में मुझे भी करना है, भाई तुझे भी करना है, पर तुझे कॉन्सेप्ट अभी ठीक है, जितना हो सकता है हम उसको मदद करते हैं, पर हमें भी खुद का टाइम मैनेज करना होता है, तो कभी कभी नहीं मदद हो पाती, तो वो कंपटीशन होता है, बना रहता है, वो हेल्दी बना हुआ होना चाहिए हमेशा, लेकिन हमें दूसरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अरे कंपेयर नहीं करना चाहिए उसका, देखो मतलब वो जो अभी एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का भी एक ग्रुप आया था 4 लोगों का, उसमें हर एक की स्ट्रेटेजी अलग थी, मतलब एक अक्षय बोधने करके लड़का था, उसकी स्ट्रेटेजी अलग थी, वो बस नोट्स पढ़ता था और इतनी मेट्रिक्यूलसली पढ़ता था कि उसको अगर कौन सा भी क्वेश्चन दे दो तो वो सॉल्व कर सकता था, और एक बात बताना चाहूँगा कि उसने एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, फिर भी उसका निकला था प्रीलिम्स, 300 स्कोर था उसका 2018 में, तो मतलब कमेंडेबल स्कोर था वो, इट वॉज वेरी गुड स्कोर, कट ऑफ के आगे भी 45 मार्क्स था वो, तो उसका ये अप्रोच था। दूसरा एक बंदा था कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा था ज़्यादा करके, उसका भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो ऐसे हर एक की अप्रोच अलग हो सकती है, ईएस के लिए ऐसे कुछ नहीं कि ये ही अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो उस पर विश्वास रखो और उस अप्रोच को फॉलो करो। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं या फिर कुछ अदर एक्टिविटी जो आप करते हैं? स्पोर्ट्स तो मैं इतना पहले भी एक्टिव नहीं था, तो मैं वॉक लेता था, मतलब जब मेरी प्रिपरेशन फेज चलती थी, और फिर मैं न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ता था, मतलब बुक्स में भी मैं फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो हो गए, मतलब उनकी स्ट्रगल स्टोरी, क्योंकि अब मैंने बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरी पढ़ के रखी थी ऑलरेडी यहाँ आने से पहले, मतलब विश्वास नागरे पाटिल हो गए, ई श्रीधरन हो गए, तो इनकी स्ट्रगल स्टोरीज पढ़ने के बाद मुझे ये पता था कि अगर हो नहीं भी हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में तो हमें सेकेंड अटैम्प्ट देना है, क्योंकि इन्होंने भी दिया है सेकेंड अटैम्प्ट, मतलब हमें उस लोगों को फॉलो करना चाहिए जो ऑलरेडी उस टीम को, तो मैं मेंटली प्रिपेयर था, मैंने वो फेज पहले ही उनकी लाइफ में देखी थी, मतलब कैसे है, अब जब आप बुक पढ़ रहे हो ना तो आप दो जिंदगियां जी रहे हो साथ में, खुद की ज़िंदगी और उस इंसान की ज़िंदगी जिसने वो बुक लिखी है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है ना, तो उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ तो सीखना चाहिए, तो वो आप दो ज़िंदगी एक बार जी रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए, जो आपको बनना है, जो आपको करना है ज़िंदगी में या उसके आगे जो भी है उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उसको आपके आइडिया मिलेगी और आपका माइंडसेट वैसे होगा, आपके एक्शंस बदलेंगे, आपसे लोगों की इंटरेक्शन बदलेगी, आपके खुद में चेंज होगा बहुत सारा। आप जो एक्सपीरियंट है जो हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो पूरे मेडिजी के स्टूडेंट और ईएस ऑफिसर से गाइड ले रहे हैं, तो उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए और क्या आप उनको मोटिवेशन देना चाहेंगे? अगर सेकेंड और फोर्थ ईयर के बच्चे हैं तो उन्होंने फिर डेफिनेटली जो रेफरेंस बुक्स है वो यूज़ करके या फिर मटेरियल है कोई कोचिंग का वो यूज़ करके उन्होंने एग्ज़ाम को फेस करना चाहिए। अगर कोई कोचिंग लेना चाहता हो तो वो कोचिंग अच्छा होगा कि उसने थोड़ा सा जल्दी, मतलब लेटेस्ट में या फिर उससे पहले थोड़ा सा फेब्रुवरी में ज्वाइन कर लिया हो तो अच्छा होगा। कोई भी एस्पायरेंट हो, अगर वो कॉलेज से प्रिपेयर कर रहा हो, खुद से प्रिपेयर कर रहा हो या फिर कोचिंग से प्रिपेयर कर रहा हो, उसको ईएस के लिए, गेट के लिए टेस्ट सीरीज कंपलसरी है। बिना टेस्ट सीरीज के आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप कंपटीशन में कहाँ हो, बिना कंपटीशन के ये समझ में नहीं आएगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो टेस्ट सीरीज कंपलसरी है, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा भी हो। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो रेफरेंस बुक से, तो फिर कोचिंग क्लासेस के नोट्स मंगवा लो, उनमें से करो, यही मतलब मैं बताना चाहूँगा।
तो जैसा कि आज हमने इस वीडियो में देखा कि एक जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो कितना अपना माइंड की क्लियरिटी रखता है, अपना हर एक एक्टिविटी का वो ब्रेन मैप तैयार करके रखता है कि उसको क्या फॉलो करना है, किस तरीके से अपना माइंड सेट डेवलप करना है। वो केवल पढ़ाई नहीं करता है, उसके अलावा भी वो अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट, काम डाउन और जिस तरीके का जो वो प्रोसीजर यूज करता है वही उसको सक्सेसफुल बनाता है। तो आज की इस सक्सेसफुल स्टोरी में हमने पुष्पक चौधरी जी का अच्छे से डिस्कशन किया है। तो होपफुली आप इसको बेनिफिट लें और आपको इससे मोटिवेशन मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे और टॉपर से अगर आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछना जो आपको दिक्कत फेस हो रही है तो आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम जो नेक्स्ट टॉपर हमारे साथ आएंगे उनसे गेट एक्सपीरियंस के रेस्पेक्टिव आपको रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू सर, थैंक यू, काफ़ी अच्छा था उनका।